वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, यह गेट पर्दा डिज़ाइन है जिसे मैं बनाते हुए आपको बताऊंगी कि यह कैसे बनेगा। मैं एक छोटा सा पट्टी ली हूँ, वाइट कलर का है, लेकिन मुझे ग्रीन कलर का लेना चाहिए। आप जिस कलर से गेट बनाएंगे वहीं कलर का पट्टी लेंगे। तो दोस्तों, ग्रीन कलर का ऊन और रेड कलर का ऊन से मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। किनारे में चार चार टोप लेंगे। चार टोप अब जितना दूरी पर देख ले कि अपने पट्टी में कितने घर बनेंगे उतना आप रखें। कभी जोड़ा नहीं ले, सिंगल ले। 5, 7, 15, 19, 17 जितना बैठे उतना घर ले। दूरी पर अपना देख ले कि कितने बनेंगे उसके अनुसार से। तो मैं 15 सेंट पर बना रही हूँ। इस तरह से आप देख ले कि आपका घर कितना आएगा। इसमें हम 5 घर पे बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो लास्ट तक, तभी आप पूरा समझ पाएंगे कि कैसे बनाया गया। इस तरह से चार चार टोप किनारे तक आपको देना है। हम एक छोटा सा टिप्स बता रहे हैं जिसके आधार पर आप आसानी से बना सकते हैं। तो पूरा दोस्तों देखिए वीडियो कैसे बनेगा। इस तरह से आप किनारे तक जाएंगे। इस तरह से मेरा 5 घर बना है। पट्टी में आप देख ले कि कितने घर हैं। कभी जोड़ा नहीं रखना है आपको, फुट में रखना है, जैसे 5, 7, 11 इस तरह से। अब किनारे में आपको फंदे को बढ़ाना है। 4 डोर है, उसको 5-6 करें। तो एक बीच से 2-2 फंदे निकालें। मैं यहाँ पे बनाकर बता रही हूँ आपको। आप इसे ध्यान से देखें। यहाँ पे 6 फंदे बन गया है। अब इस तरह से आप भी बना लेंगे। फिर आप उतना ही चैन लें। अब बीच का 4 ही टूट जाएगा आपका। आप 3 लेयर में बनाए या 4 लेयर में बनाए? तो दोस्तों, वीडियो को देखिए लास्ट तक, मैं आपको पूरा बनाते हुए बताई हूँ।
देखिए दोस्तों, पूरा 3 लेयर बन के रेडी हो गया है। धागा को कट कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपको व्हाइट कलर से टमाटर कैसे बनाना है वो मैं आपको बनाते हुए बता रही हूँ। तो फंदे को जितना बड़ा लंबा टमाटर बनाना है वहाँ से आपको खींचते हुए एक ही खंड से जितना मोटा रखे 6-7 फंदे ले। उसके बाद क्रूस की मदद से बांध ले। एक टूप चैन ले ले। हर 20 से आपको इसी प्रोसेस को बनाए। इसी तरह से बांधते हुए पूरे बीचों बीच से हर फंदे का तैयार करें। एक टोप चैन लेना है। यहाँ पे फंदे को छोड़ देना है और दूसरी तरफ से क्रूस को फंसा कर पीछे की तरफ से ऐसे, और उस फंदे को एक तरफ से निकाल लेना है ताकि आपका मुंह दोनों बंध जाए एक जगह। फिर आपको वहाँ से बांध कर सेन तैयार करना है दूसरी तरफ जाने के लिए। इस तरह से आपका टमाटर तोरण पूरा टमाटर की तरह बन जाएगा गोल, जैसे कि गेट पर्दे में। और इसको बीचों बीच से आपको लाल का बनाते हुए फंदे तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों वीडियो।
अब यहाँ मेरा एक लेयर बन के रेडी हो गया है। देखिए तीन टमाटर बन गया है, बीच में दो छूटा हुआ है। अब आपको एक एक टमाटर को किनारे से छोड़ देना है दूसरा लेयर में, ताकि आपका घर छूटते हुए जाएगा तो एक पर बनेगा। और आपको बीच में जो बनाए थे वहाँ से अभी आप चार ही फंदे लेना है आपको। उसके बाद चैन लेना है और दूसरी तरफ आपको एक टमाटर को भी छोड़ देना है। अब जो टमाटर बनाए थे वो बीचों बीच से चार टुक वहाँ से भी लेना है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बनाकर आपको बताए हैं, आप ध्यान से देखें और बनाने की कोशिश करें, आपसे भी आसानी से यह डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। आप जो भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन अपलोड किए हैं कि आप आसानी से जाकर हमारे चैनल पर हर डिज़ाइन को देखकर बनाना सीख सकते हैं। अगर जो भी डिज़ाइन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको बनाकर बताऊँ। इस तरह से दोस्तों दूसरे किनारे से भी आपको छोड़ देना है एक टमाटर को, और दूसरा लेयर जो फर्स्ट लेयर में बनाई थी उस तरह से आपको बनाते हुए जाना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो। We'll be right back.
तो दोस्तों इस तरह से आपका गेट तोरण डिजाइन पूरा बन के रेडी हो जाएगा। मैं एक छोटा सा टिप्स बताई हूँ जिसमें पूरा बन गया है। इस तरह से भी आप पूरा तोरण डिजाइन बना लेंगे और यहाँ से लरी बनाएंगे। पहले 3 ली हूँ मैं, उसके बाद 2, उसके बाद 1 टमाटर बना है नीचे, इसे टमाटर का तोरण डिजाइन कहते हैं। उसके बाद आपको लरी जैसे भी डिजाइन में बनाना चाहते हैं वैसा डिजाइन बना लें। तो इस तरह से लरी बनाया है, घना लरी दें।